प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। लेकिन कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन को देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन कौन से पोजीशन है जहां पर कि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, या दूसरे अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि वो कौन कौन से पोजीशन है जहां पर कि इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट को रखेंगे अगर बदल बदल के, तो इमेज भी जो है वो बदल बदल के जगह भी डिफरेंट जगहों पर बनेगा। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे इसका हम लोग चुनाव करते हैं। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा कन्वेक्स लेंस को जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर उसमें कौन कौन से जगह हैं। तो ये जो है हमारा एक कन्वेक्स लेंस है जिसका कि ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और चूँकि ये फर्स्ट सरफेस है F1 है, और ये जो है कि F2 सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस जो है वो देखिए कि इस तरीके से राउंड कर रहा है। तो जब राउंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें इसका मिडिल पॉइंट मिलेगा अर्थात सेंटर। तो यहाँ पर हम लोग C नहीं लिखते बल्कि इसको हम लोग 2F लिखते हैं, और इसका जो बीच जो है वो F लिखते हैं। क्योंकि ये फर्स्ट का है तो ये F1 हो गया और ये 2F1 हो गया। उसी तरीके से ये जो हो जाएगा ये F2 हो जाएगा और ये 2F2 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे सर्फेस का है चूँकि ये इधर घूम रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम लोगों को कई पॉइंट्स दिख रहे हैं। यदि हम किसी एक तरफ, पहले हमें चुनाव करना पड़ेगा कि आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड किसी भी एक तरफ हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो, चाहे वो तो आगे कहीं भी हो सकता है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने रूल्स को देखा था, और यदि आपको और भी जानना है रूल्स के बारे में तो आप जो है कि घंटी का बटन प्रेस करें, आप वहाँ पर सजेशन में पा सकते हैं। तो चलिए, तो इसमें हम लोग पॉइंट्स को नोट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कि हम अपने मैं लेफ्ट साइड, इस लेंस का लेफ्ट साइड जो है उसको मैं चुनाव करता हूँ कि मैं इधर ही ऑब्जेक्ट रखूँगा। राइट में भी रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। तो मैं करता क्या हूँ कि इधर रखता हूँ। तो यदि इधर रखता हूँ तो हमारे पास देखिए एक यह जगह बचता है जो कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट बाहर गए, और वह चीज़ जो कि हमारे से बाहर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटी। तो पहला क्या हो सकता है, एट इन्फिनिटी। दूसरा जो पॉइंट हो सकता है ये हो सकता है हम लोग के लिए इन्फिनिटी और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस इसके बीच में भी है, 2F के बीच में है। तो इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F2, यहाँ पे ये जो खाली जगह इसमें, क्योंकि यहाँ तो पहुँच पे है। तीसरा क्या हो सकता है, 2F हो सकता है। तो थर्ड क्या कर लेते हैं हम लोग, एट 2F2। फोर्थ क्या हो सकता है कि 2F2 और F2 के बीच में। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग ले लेते हैं इन बिटवीन 2F2 एंड F2। उसके बाद क्या है, ये F हो सकता है। तो फोर्थ हमारा, फिफ्थ हमारा हो जाएगा एट F2, और सिक्स क्या हो जाएगा, F2 और O के बीच। तो सिक्स हम यहाँ ले लेते हैं इन बिटवीन F2 एंड O। तो ये हो गया हमारा पहला जगह, ये हो गया दूसरा जगह, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा। छठों सभी छः का मैंने नाम लिख दिया। अब इसी के अनुसार से हम लोग करेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद मैं आगे इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है इसको करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ी सी पहले तैयारी कर लेते हैं और सभी जगह हम लोग लेंस को बना लेते हैं ताकि आगे सहूलियत हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम लोग कुछ तैयारी कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने किया क्या है कि जो सभी छः जगह हैं उसके अनुसार से मैंने छः लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, तथा जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं F2 F1 ये सब ऑप्टिकल सेंटर ये सब मैंने ड्रॉ कर लिया है ताकि जो है हमारा समय कुछ बच सके। अब हम लोग करते क्या हैं कि शुरुआत करते हैं जो हमारा सबसे पहला पॉइंट मिला था, कहाँ, इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हो तो वैसे केस में इमेज कहाँ बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा। तो ये जस्ट यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो
तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा इन्फिनिटी है। तो हमेशा जो है इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट, किसी इन्फिनिटी हो या कहीं से भी हो, ऑब्जेक्ट से हमेशा दो लाइन आती है। तो चलिए दोनों लाइन आ गया, और ये दोनों लाइन जब आ गया तो आने के बाद जो लाइन्स होती है, पैरेलल लाइन्स जो प्रिंसिपल एक्सिस की होती है, वो कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से। तो क्या हो रहा है, ये हमने लोगों ने रूल में देखा था, और रूल में जब देखा था तो जो है फोकस से जो लाइन गुजरती है वह जो होती है वो फोकस पे मिलती है, और इस कारण से है जो कि बहुत ही डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। डिमिनिश्ड इमेज कहने का यह मतलब है कि जो दोनों लाइन है वो देखिए एक्चुअल लाइन है, और वो आकर के एफ पर मिल रही है। और हम रूल्स में हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है उसी जगह पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ वन पे फोकस पे, मुख्य फोकस पे जो है वो इमेज बन रहा है। अब देखा जाए कि इसका नेचर कैसा है। तो चूँकि दोनों लाइट मिल रही है और इसमें कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस से दूरी नहीं है, तो यूँ कह सकते हैं कि इसका जो साइज होगा वो हो जाएगा पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा। कैसा होगा, तो ये चूँकि लाइट जो है नीचे की तरफ जा रही है और ऊपर की लाइट नीचे, नीचे की लाइट ऊपर की चली चली गई है, देखिए ऊपर का है नीचे, नीचे का जो ऊपर, तो ये कह सकते हैं कि ये लाइट एक दूसरे को उल्टा कर रही है, तो इमेज होगा वो हो जाएगा इनवर्टेड। तीसरा है, दोनों लाइन जो है एक्चुअल है, तो इमेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियल, और कहाँ बन रही है, तो एट एफ वन। तो इस तरीके से हमें चार जो है कि इमेज का नेचर मिलता है। अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड टू एफ वन, तो टू एफ टू सॉरी। तो ये जो जगह है जो कि हमें प्रिंसिपल एक्सिस पर दिख रहा है, इस जगह पे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद पहला जो हो जाएगा वो तो पैरेलल जाएगा, और पैरेलल लाइट जो है वो फोकस से गुजरती है, और दूसरी लाइट जो होगी वो हम लोग सीधे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे। और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो देखिए ये बीचों बीच में आकर के यहाँ पर मिल रहा है, अर्थात F1 और F2 के बीच में। तो क्या कह सकते हैं कि साइज क्या हो रहा है, यदि हम लोग साइज देखें तो छोटा लग रहा है, ये जो साइज है वो तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो क्या है कि ये स्मॉलर, इसको कह सकते हैं smaller than object, जो इमेज का नेचर है। और ये भी उल्टा है, ऊपर का वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, इन्वर्टेड है, रियल है क्योंकि एक्चुअल लाइन से मिल रहा है, एक्चुअल लाइन के मिलने से बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन बिटवीन, बिटवीन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन बिटवीन एफ वन एंड एफ टू, टू एफ टू, 2F1 F1 और 2F1 के बीच में बन रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2F2 पर हो, यहाँ पर रख दिया गया, पहला जो होगा पैरेलल लाइन, दूसरा ये कहाँ से, फोकस से गुजरा, और ये जो है जब गुजरेगा O से, तो ये जो है यहीं पर मिलेगा, कहाँ पे, F1 पे। और इस तरीके से जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, तो सबसे फोर्थ लाइन में सबसे नीचे लिख रहा हूँ एट 2F1, ऑब्जेक्ट है 2F2 पे, तो बन रहा है ये भी जो है कि रियल है, इन्वर्टेड है, और साइज तो लग रहा है कि बराबर है, तो इसको क्या लिखेंगे, सेम साइज, सेम साइज टू डाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ऐसे पूरा लिख सकते हैं कि सेम साइज टू डाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिखे हैं तो सेम साइज टू डाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट के बराबर का साइज। आइए हम लोग अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि 2F2 और F2 के बीच में, यहाँ पे रख देते हैं, पहला पैरेलल गया फोकस से, दूसरा जो है यहाँ पे, और ये कहाँ मिल रहा है भाई, F1 और इन्फिनिटी के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो क्या लिखेंगे इसको, ये तो
साइज देखने से ही बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, लार्जर है इसका साइज, लार्जर साइज, और ये भी इन्वर्टेड है, ये भी रियल है, और कहाँ बन रहा है, तो इन बिटवीन, बिटवीन को मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टू एफ वन एंड इन्फिनिटी के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस पे करेंगे। अब अगला जो है हमारा क्या है, एफ टू पे रख रहे हैं, ये चला जाएगा फोकस से होता हुआ गुजर जाएगा, और ये जो लाइन है वो ये भी इस तरीके से गुजरेगा। ये दोनों लाइन जो है कि बिल्कुल पैरेलल जा रही है, और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन जो होती है कहाँ मिलती है, पता नहीं, सीधी सी बात है, पता नहीं, और जहाँ कहीं भी शब्द आ जाए पता नहीं, तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, पता नहीं, पता नहीं मतलब इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज, इसका जो साइज हो जाएगा वो वेरी लार्ज साइज, इन्वर्टेड, रियल, एंड फोर्थ वन इज एट इन्फिनिटी। तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो इन्फिनिटी भी बनता है, जैसे कि इन्फिनिटी पे रखा गया तो फोकस बन रहा है, तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो फोकस बना, तो फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे, ठीक है, दूसरे का उल्टा है। और लास्ट पॉइंट क्या है, एफ टू और ओ के बीच में, और ये जब जाएगा तो ये देखिए जो है जो लाइट है वो फैलता चला जा रहा है, और जब लाइट इधर इस तरफ ये फैलता चला जा रहा है तो निश्चित है कि ये कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि ज़बरदस्ती, चूँकि मिलाना तो है ही नहीं तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बनेगा, तो फिर हम लोग करते क्या है कि इसको बढ़ाते हैं, और जब बढ़ाते हैं तो फिर ये जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आकर के ज़बरदस्ती यानी कि वर्चुअल लाइन के द्वारा, काल्पनिक किरणों के द्वारा ये मिलता है, और ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज तो नहीं होगा लेकिन क्या होगा, ये लार्जर, इन्वर्टेड तो हो नहीं सकता, ये तो सीधा है, तो ये क्या होगा, इरेक्ट, और कहाँ होगा, सेम साइड टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहीं साइड में होगा, और कहाँ बनता है, और ये रियल होगा नहीं, ये क्या होगा, वर्चुअल, तो ये जो हो जाएगा ये वर्चुअल होगा। तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से जो है हम लोगों का वो, तो ऐसे केस में क्या है कि जब इन्फिनिटी पे था तो एफ पे बना था, एफ पे है तो इन्फिनिटी बना, और एफ टू और टू एफ टू के बीच में जा करके बन तो रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं भी बन सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, और ये एक पहला केस है जो कि यहाँ पर कि वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपको कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं इसको कमेंट करें, मुझे मैं आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू।